बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेलविशर्स, तीन चार मामला आपसे डिस्कस करने हैं। कुछ आपको गाइड करना है, कुछ आपको इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ सब इंस्पेक्टर्स। बहुत सीटें हैं, 900 से अबव हैं। मेहनत करें और आगे बढ़ें और मंजिल को हासिल करें। लेकिन अफसोस कि आप लोग संजीदा नहीं हैं, आप कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे। 5 या 10% लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, मेरी तो यही दुआ है। लेकिन इकबाल के शहीन, जिस पे इकबाल को भी अफसोस है, इकबाल इसीलिए कहते हैं कि न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम जुल्फे अयाज में। सब इंस्पेक्टर का सिलेबस कुछ इस तरह से होगा कि इंग्लिश आपके इलम में 40 मार्क्स की है, उसमें ईडियम, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुरेक्शन, सेनोनिम, एंटोनिम, ये 5 जो मेन मैंने आपको बताए हैं, ये 8-8 नंबर के आएंगे। जैसा कि पुलिस कोटा सर्विस में पेपर आया है, उम्मीद है इसी तरह का आएगा। इनके लिए जो बुक है वो टू दी पॉइंट बेहतर है, करंट ग्रामर बेहतर है। अगर ज़्यादा तैयारी है तो फिर रेन और मार्टिन की बुक आप ले सकते हैं। या दूसरा जो वेब है वो पाक एमसीक्यू है और एग्जाम वीडा है, जो आपके लिए बेहतरीन है। जहाँ तक पास पेपर का तल्लक है, उसमें इम्तियाज शाहिद साहब के और नजीब अहमद साहब के पेपर लें और मेहनत करें। कंप्यूटर में आपका एमएस ऑफिस 25 मार्क्स का, बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट 15 मार्क्स के, और इनके लिए जो इंटरमीडिएट की आईटी की बुक है वो बेहतरीन है। उसका इसमें भी पाक एमसीक्यू में से बहुत कुछ मिल जाएगा और पास्ट पेपर के हवाले से यही 2 किताबें जो मैंने ऊपर बताई हैं। तो इस पे तैयारी करें। जीके में ज़रा काम मुख्तलिफ है, उसमें इंटर लेवल तक देखें कुछ किताबें, जिसमें पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामियात है और पाक एमसीक्यू आपके लिए बेहतर रहेगा मैथ के लिए। और इसी तरह जो इसकी आपने पेपर पास के लेने हैं, वही हैं इम्तियाज अहमद साहब के और नजीब साहब के, वो बेहतर रहेंगे। तो करंट अफेयर के लिए पिछले 6 माह के न्यूज़पेपर देखने पड़ेंगे और इल्मी कैप्सूल की किताबें आई हुई हैं, जहांगीर के मैगजीन आए हुए हैं, उन्हें आप देखें। अब एक और बहुत बड़ा इशू जो है वो लीक पेपर का है। उसके बारे में ये खबर मिली है कि तमाम लीक पेपर दोबारा होने जा रहे हैं, बल्कि जो डिप्टी अकाउंटेंट का हाई कोर्ट क्लियर कर चुका है उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि पीपीएस गालबन सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है या हायर कोर्ट में या डबल बेंच पे ये अपील कर रही है। तो माय डियर वेलविशर, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन के हवाले से बहुत अहम बात जो है वो आज मैं करने जा रहा हूँ कि एज रिलैक्सेशन जो मिल रही है वो सुना है कि 1 जनवरी 2022 से मिल रही है। तो जो लोग 1 जनवरी 1990 के बाद इस दुनिया में आए वो अपीयर हो सकेंगे। अब इसमें ये देखना है कि जो लेक्चरर के लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं फर्स्ट फेज में, उनकी तादाद है 1731, तो उनको ये फेवर नहीं मिली। और अब जो सेकंड फेज है उनमें 1692 है, उनको ये फेवर मिल जाएगी। तो एक ही सब्जेक्ट में, एक ही पोस्ट पे ये डबल स्टैंडर्ड किसी तरह नहीं होना चाहिए। मेरी जनाब सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है, चेयरमैन पीपीएससी से रिक्वेस्ट है, सेक्रेटरी पीपीएससी से रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में सोचें, क्योंकि इसमें ना इंसाफी का आंसर आएगा। ठीक है, टेक्निकल रीजंस होंगी, लेकिन आप बाख्तियार हैं, आप कोरिजेंडम जारी कर सकते हैं, आप पॉलिसी में कोई तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह जिनकी लास्ट डेट 17 दिसंबर थी वो परेशानी में रहेंगे। जो अभी तक पोस्ट नहीं आ रही है, मैंने पहले भी बताया, उसकी वजह यही है कि एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन गालमन जारी हो चुका है। तो जैसे ही ये नोटिफाइड होकर सामने आ जाता है तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आनी शुरू हो जाएंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले मेरे वेल विशर्स अब जागे हैं और मुझे बता रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो बहुत ही टफ पेपर था, मेल फीमेल का 40 से ऊपर,
मेरिट नहीं जाएगा और फिजिक्स का मेरिट भी 45-50 के दरमियान में। ये पूछा जा रहा है कि इनका रिजल्ट कब आएगा, तो इनका रिजल्ट भी इंशाल्लाह 15 फरवरी से पहले रिजल्ट आ जाएगा। FIA के जो मेरे एस्पायरेंट हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट क्यों नहीं आया और वो कब आएगा। तो उसमें माय डियर वेलविशर कुछ 100 के करीब ऐसे मेरे एप्लीकेंट थे जो कि पास थे लेकिन कंप्यूटर एरर की वजह से वो फेल हो गए। दोबारा टेस्ट कंडक्ट किया गया 16 और 17 जनवरी को। उम्मीद है कि आपका 2 हफ्तों में, बहरहाल इसी माह में आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि माय डियर वेलविशर, रिलाई ऑन योर सोर्सेज। आजकल अपनों में अपना तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, इस जोन में मत पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।